हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि फायर्स का एपीआई सेटअप कैसे करते हैं। तो ये क्विक वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको फास्ट बताऊंगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट लेवल जो वेबसाइट है उस पर आना है। उस पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक पेज दिखेगा रिसोर्स का, आपको राइट क्लिक करना है, इस पेज को न्यू टैब पे ओपन कर लेना। हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो गया। तो जब आपका ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी काफी हेल्प करती हैं, जो उसमें से एक है एपीआई डैशबोर्ड यूआरएल। तो हमें अगर फायर्स का अकाउंट बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम फायर्स की एपीआई डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो मैं पहले से लॉग इन हूं, तो इसलिए मेरे से इन्हें आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, पर आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। जब आप इस डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे तो आपको इस तरह की एपीआई बना के क्रिएट करनी होगी। मेरी पहले से क्रिएट है तो इसलिए आपको ये दिख रही है। आपको क्रिएट न्यू एपीआई पे क्लिक करना है, यहाँ क्रिएट ऐप पे। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी आप अपनी एपीआई का नाम देना चाहते हो वो देना है। उसके बाद यहाँ पर रिडायरेक्ट यूआरएल डालना है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये गलत है तो आपकी एपीआई कनेक्ट नहीं होगी और आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे। तो हम दोबारा से वापस उस पेज पे जाएंगे जो हमारा रिसोर्स पेज था यहाँ वाला, और यहाँ पर लिखा रिडायरेक्ट यूआरएल और यहाँ पर दे रखा फायर्स का कॉपी बटन। हम इस पर कॉपी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम इस पे जाएंगे और कंट्रोल वी करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये रिडायरेक्ट यूआरएल भी कॉपी हो गया। इसके अंदर आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं, आपका दिल करता है तो आप कुछ भी टाइप कर दीजिए और क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका एपीआई डैशबोर्ड, मतलब आपकी जो एपीआई क्रिएट होगी कुछ इस तरीके से दिखेगा। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, जो स्टेटस है वहां अप्रूवेड के बदले रिक्वेस्टेड लिखा आएगा। तो रिक्वेस्टेड को करने के लिए, हमें अप्रूव करवाने के लिए इनको एक फॉर्म फिलअप करके भेजना होता है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। आप यहां जाओगे एपीआई रिसोर्स पेज पे, सबसे नीचे आओगे, यहां लिखा है एपीआई रिक्वेस्ट यूआरएल, इसके अंदर फायर्स का यूआरएल है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इनके जो फायर्स का ये ऑफिशियल गूगल फॉर्म पेज है जिसके अंदर हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एपीआई की। आपको फायर्स की अपनी सही वाली मेल डालनी है जिससे आपका फायर्स का अकाउंट बना है। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है जो फायर्स पे आपने डाल रखा है, फायर्स पे जो नंबर डाल रखा है वो डालना है। इट्स मीन कि आपको जो भी डिटेल डालनी हो फायर्स से रिलेटेड डालनी है। पर्सनल यूज सेलेक्ट करना है, तो मैं अभी एक एज एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी कर देता हूं। एंड ये मेरे को लग रहा है बिल्कुल करेक्ट ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं करके दिखा देता हूं, xyz@gmail.com। सॉरी नंबर इधर चलेगा, कुछ भी नाम डाल दिया। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया 3456789010। एंड पर्सनल यूज करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे या पूछेगा आपसे कि आप इनके क्लाइंट हो, यस करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आपसे क्लाइंट आईडी मांगी जाएगी, आप क्लाइंट आईडी कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपकी क्लाइंट आईडी है। सबमिट पे क्लिक करना है। तो इधर ये नंबर में क्लाइंट आईडी लेते हैं, तो मैं नंबर में डाल देता हूँ। और ये आई थिंक इनकी क्लाइंट आईडी कुछ अलग तरीके से होती है जो मुझे नहीं पता। तो इधर क्लाइंट आईडी डालनी है, और क्लाइंट आईडी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। आपके सामने पेज आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई है। जैसे आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाती है तो 24 आवर के अंदर ये आपकी एपीआई को एक्टिवेट कर देंगे। अगर आपकी एपीआई एक्टिवेट हो जाती है तो आपके एपीआई के नीचे स्टेटस में अप्रूवेड लिखा आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया, बट अब एपीआई को ऐड कैसे करना है नेक्स्ट लेवल बॉट पे वो भी बता देता हूं। ये आपकी ऐप आईडी है, यहां पर नीचे डबल क्लिक करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, नेक्स्ट लेवल वेबसाइट पे जाना है, यहां लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। जैसे कि आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको लेफ्ट में जाना है, यहां पर फोर्थ नंबर पे एपीआई क्रेडेंशियल आपको शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको ऊपर के सारे बॉक्स दिखेंगे, नीचे के मैंने एपीआई ऐड कर रखी, ऊपर के आपको सारे बॉक्स दिखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर फायर्स के आगे जो ऐड एपीआई लिखा है उस पर क्लिक करना है। यहां पर अपना आपको एपीआई का नेम ऐड करना है, जो भी आप नेम देना चाहते हो। उसके बाद आपको यहां पर एपीआई की डालनी है, तो हमने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके एपीआई की डाल देते हैं। एपीआई की कहां से मिली हमें, यहां से मिली, ठीक है जी। ये ऐप आईडी इन्होंने नाम दे रखा है, वही एपीआई की है। फिर हमें सीक्रेट आईडी डालनी है, इस पर भी हम डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी के कॉपी कर लेंगे, इधर जाएंगे और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारी एपीआई यहां पर आपको शो हो जाएगी, ये फायर्स नाम पे शो हो गई। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे मेंबरशिप ले रखी है जब भी आप एपीआई को ऐड कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। मेंबरशिप लेने के लिए आप मेंबरशिप के पेज पे क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो। तो जब आपके सामने ये चीज शो होगी आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है।
एक्टिवेट पे क्लिक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी तक हमने प्रोसेस करी थी वो वन टाइम करनी, पर यहाँ पर एक डेली प्रोसेस है जो आपको करनी है। डेली अपनी एपीआई को कनेक्ट करना अपने ब्रोकर से, अदरवाइज आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे। तो एपीआई कनेक्ट करने के लिए आपको करना है क्या, आपको कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कि अभी हो रहा है, ये इस तरीके से ओपन हुआ। आपको अपनी यहाँ पर क्लाइंट आईडी डालनी है, मेरी क्लाइंट आईडी आई थिंक ये वाली है, और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको जो भी आप डालते हो सारी चीजें वैसी की वैसी डालनी है। मैं डाल के दिखा देता हूं एक सेकेंड, तो मैं फायर्स का वो लेके आता हूं। मिल गया मेरे को फायर्स का पैन कार्ड, एंड फायर्स का पैन कार्ड वगैरह डाल के आपको इस पर टिक मार्क करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे कुछ गलत हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, आईडी तो मेरी है, सॉरी ये आईडी मेरी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे आईडी को चेंज करता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड भी चेंज करता हूँ। तो ये पता नहीं किसकी आईडी थी जिनकी मैंने आईडी डाल दी थी, एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ दोबारा से। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा लॉग इन सक्सेसफुली लिखा आएगा, एंड लॉग इन सक्सेसफुली लिखा आने के बाद यहां पर ये चीज जरूर आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जरूर आना चाहिए। यहां पर लिखा आएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड टू एपीआई, इट्स मीन आपकी एपीआई कनेक्ट हो गई है, अब आपके ऑर्डर जाएंगे। अगर आपको ये चीज नहीं शो होती, कोई एरर शो होता है, इट्स मीन आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे। तो आपको डेली एपीआई कनेक्ट करनी है इसी तरीके से, और जो हमने पहले की प्रोसेस करी थी वो डेली डेली नहीं करनी, वो वन टाइम करनी है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ऑर्डर कैसे लगाते हैं इसकी वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।